देखो, जो व्यक्ति भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धो लेता है वो जरूर सुनिएगा, आपके लिए ही ये वीडियो है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोने से क्या होता है, इसका क्या कारण है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो, भोजन करना बड़े नियम से करना चाहिए। आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आपको भोजन द्वारा पोषण मिलता है, भोजन आपको शक्ति बल प्रदान करता है। तो भोजन करने का नियम शास्त्रों में बताया गया, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे भोजन नहीं करना चाहिए, तो आप लोग ध्यान से सुनेगा। घर में जो रसोई घर होता है वो मंदिर समान माना गया, जिसे आप लोग किचन कहते हैं। किचन नहीं बोलना चाहिए, किचन को रसोई घर बोलना चाहिए। अगर आप अपने घर के जहाँ पर भोजन बनाया जाता है उसको रसोई घर कहोगे, वहाँ पर रसयुक्त भोजन का निर्माण होता है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए घर के रसोई घर अत्यंत पवित्र होना चाहिए। सदैव साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिएगा। और फिर कहा गया कि घर के जो रसोई घर है और बिल्कुल सामने बाथरूम है तो ये भी सुंदर नहीं माना गया। कहा जाता है रसोई घर का दीवाल और बाथरूम का दीवाल एक ही नहीं होना चाहिए, रसोई घर से बाथरूम दूर बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, पास ही में बिल्कुल सटा हुआ रसोई घर बाथरूम है तो वास्तु दोष लग सकता है। बाथरूम के नकारात्मकता रसोई घर में प्रवेश करता है, अगर ऐसा होता है तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न नहीं रहती है। इसलिए रसोई घर और बाथरूम सदैव दूरी बना करके रखिएगा। कैसे भोजन करना चाहिए, भोजन करने का नियम क्या है, कहा जाता है अगर आप भोजन करते समय पूर्व दिशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करते हैं तो ये सर्वोत्तम माना गया है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करते हैं तो ये अति उत्तम कहा गया है। और आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं तो यश सम्मान का आप प्राप्त कर सकते हैं, यश सम्मान को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये भी अति उत्तम माना गया। फिर उसके बाद में कहा गया कि भोजन करने से पहले हाथ पैर को धोकर के पवित्र बनकर के ही स्वच्छता के साथ में भोजन करना चाहिए। आजकल के लोग जमीन में बैठ कर के भोजन करना पसंद नहीं करते। अगर आपको भी जमीन में बैठ कर के भोजन करना नहीं पसंद तो नियम बनाइए, क्यों जमीन में बैठ के भोजन करना चाहिए जानते हैं आप? अगर आप जमीन में बैठ करके भोजन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सदैव सुंदर रहेगा, आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए जमीन में बैठ के ही भोजन करने का नियम, पहले के लोग जमीन में बैठ करके भोजन करते थे, स्वस्थ रहते थे, पवित्र भोजन आहार को ग्रहण करते थे, वो लोग प्रसन्न स्वस्थ रहते थे। इसलिए जमीन में बैठ करके भोजन करने का नियम हमको भी बनाना चाहिए। कभी बिस्तर में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप जिस बिस्तर में सोते हैं उस बिस्तर में बैठ करके भोजन करते हैं तो रात में बुरे स्वप्न आपको दिख जाएगा। इसलिए बिस्तर में बैठ के भोजन ना करें, जमीन में बैठ के भोजन करिएगा। तो मैं आपको निवेदन कर रही थी, जो लोग भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धोते हैं ये अत्यंत बुरा आदत है। अगर आप भोजन करके जिस थाली में खाया उसी में हाथ धो करके कुल्ला करके जाते हो तो ऐसा करने से घर से बरकत चली जाएगी, घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाएगी। इसलिए कभी भी थाली में हाथ मत धोइएगा। अगर आप लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, थाली में हाथ धोने से बहुत बुरा प्रभाव आपके परिवार को प्राप्त होगा।